केरल में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यूपी में अलर्ट घोषित करते हुए सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट किया है। इसके बाद से ही जगह जगह पुलिस मुस्तैद दिख रही है। आपको बता दें कि केरल में 29 अक्टूबर यानी रविवार को ईसाई धर्म के एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। केरल में हुए विस्फोट के बाद से भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोलौनी सीमा पर एसएसबी के जवान नेपाल के हर आने जाने वालों की तलाशी कर रहे हैं। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उनके सामानों की जांच जो है वो डॉग स्क्वाड के माध्यम से कराई जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से उन पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व को भारत में प्रवेश मिलने से रोका जा सके। साथ ही भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए एसएसबी के जवान पेट्रोलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं।